श्री राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की खुशी में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर परिसर में भी 22 जनवरी को 1,00,000 दीपक जलाकर इतिहास रचा जाएगा, जिसके चलते शहर के लगभग सभी मंदिरों में अक्षत कलश पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में दोपहर बाद पहुंचे अक्षत कलश का भव्य स्वागत श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, सेवादार अजय लाली, भूषण कोहली, रमन शर्मा, ललित शर्मा, लकी सहित कई गणमान्यों ने किया, जिससे सारा मंदिर परिसर श्री राम नाम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने अक्षत कलश लेकर पहुंचे योगेश धीर, विजय गुलाटी, सुशील सैनी, संगीता सैनी, संजय पराशर, नवीन शोरी, सोनू गुलाटी, केवल कृष्ण चोपड़ा, के गुप्ता, प्रिंस कक्कड़, सेवालाल, सुबोध ऋषि, गबा, रेशम सिंह, नीरज कुमार, अश्विनी कुमार, अरुण सैनी, नरेंद्र सैनी, पंडित रमन जगन पंडित का धन्यवाद किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने कहा कि इस दिन श्री धाम अयोध्या का नजारा सभी भक्तों को मंदिर परिसर में देखने को मिलेगा। सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक विश्व भर से आ रहे भजन गायक प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान करेंगे। विभिन्न प्रकार के व्यंजन रूपी प्रसाद भक्तों में वितरित किए जाएंगे। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी ने शहर के सभी भक्तों से अपील की है कि वे समारोह में पहुंचकर अपना योगदान दें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। प्रभु राम जी दे अयोध्या तो आए हुए ओ अक्षत कलश लेके आए हैं, ये साडे लिए बहुत ही सौभाग्य भरा दिन है। और देवी तालाब प्रबंधक कमेटी उसके प्रधान जी, उन्होंने वो कैशियर साहब पविंदर बहल जी, उन्होंने जो ये दसिया तो उन्होंने मिनटों पहले कहा कि तुम देर क्यों करते हो, ये काम साढ़े लिए पहला दसना सी, असं इस तो वह चढ़ के करना। और क्योंकि देवी तालाब मंदिर शहर का, जलंधर शहर का नहीं पूरे पंजाब प्रसिद्ध है। और उन्होंने दिली इच्छा सी कि ये प्रभु राम जी के अक्षर जोड़े इतों आए हैं, वो ये समाज के सारे लोगों प्रभु राम भगतों इतों हो गए जान। उत्थे मूर्ति स्थापना की गई, देखो बाहर बहुत सर्दी है, देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी ने आज साइडा से भी पर्दे लाए हैं ताकि जोड़े श्रद्धालु हैं थले गलीचे बिछाए हैं उन्होंने जोड़े पैर ठंडे ना हो और साइडा तो उन्होंने ठंड ना लगे। देखो कितना प्रबंध किया है, आपां नूं छत के थले बैठे हैं, साइड के शीशे लगे हैं। राम भगतों का जिन्होंने सानू राम कलश का दर्शन का सौभाग्य दिता है, मैं उन्होंने देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों धन्यवादी हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं दसना चाहता हाँ कि जिस तरह सारे हिंदुस्तान वासियों मोदी जी अगर मोदी जी का भी कल संदेश सीगा कि असी दिवाली की तरह घर घर पूजना है, घर घर यदी खुशी मनानी है, उस तरह ही श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी का एक बहुत भव्य आयोजन 22 तरीक को हो रहा है, जेडे कि जलंधर वासियों देखने का सौभाग्य मिलेगा। और सारे कहे वाकई कोई बहुत अच्छा आयोजन देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी, देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी कुछ नहीं है, ये सारा देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी जुड़े हुए सेवादार
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਕ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਭਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਲੀ ਜੀ ਜਾਂ ਗੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਦੀਵਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਵਤਰਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ 22 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਘਰ ਘਰ ਦੀਪੋ ਜਗਾਓ ਔਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਦੀਪੋ ਜਗਾ। ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਮਬੱਤੀ, ਦੀਪਕ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਗਾ ਦੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।